तो सर आप बिग बॉस देखते हो, आपको क्या लगता है इस हफ्ते कौन एविकेटेड होगा? मुझे लगता है निकी तंबोली हो सकती है। निकी तंबोली इस हफ्ते नॉमिनेट जान कुमार सानू। जान कुमार सानू तो आपको क्या लगता है इस हफ्ते कौन जा सकता है? निकी तंबोली। निकी तंबोली आपका क्या कहना है? निकी तंबोली। आपका ब्रदर निकी तंबोली। तो अच्छा सलमान थोड़ा बायस कम होना चाहिए, इरिटेट होता है अभी। पिछला सीजन एंटरटेनिंग था, ये सीजन इरिटेटिंग है। इरिटेटिंग है, आपको कैसा लगता है? आंसर मेरे ख्याल से तो रूबीना को ही टारगेट करते हैं इनडायरेक्टली। उनको मतलब ये सब चीजें बोलते कि ये है वो है हर वीक में। तो वैसे ही एजाज और पवित्र पुनिया का भी रिलेशनशिप बन रहा है, जैसे कि आपने कहा अभी रूबीना और अभिनव का लगता है, तो वो कैसा लग रहा है आपको? फेक लगता है। तो फेक लव स्टोरी है जो फराह खान ने बताया ना जी, तभी उनका गेम दो मिनट में पलट गया। अब पहले भी अभी झगड़ा हुआ ही था थोड़ी दिन पहले, अभी वापस हो जाएगा वो, हो जाता टीआरपी मिलने के लिए होगा थोड़ा। अच्छा तो फेक लव है, फेक हुआ था फिर वापस ही हो गया, तो अच्छा है रिलेशन। ये आपको क्या लगता है ये? सीजन 14 आप देख रहे हो बिग बॉस का, आपको कैसा लगता है? ये उसके पहले का जो सीजन था वो सबसे ज्यादा अच्छा लगा, एंटरटेनिंग था। उसमें शहनाज सितार थे, आसिम था, वो लोग ज्यादा एंटरटेन कर रहे थे। ये लोग जरा आपसी उनके झगड़े ज्यादा हो रहे हैं। आपने बिग बॉस सीजन 14 देखा, तो आपको किसका गेम ज्यादा अच्छा लगा? अली बोनी नहीं, जैस्मिन। इस सीजन में आपको सबसे ज्यादा गेम अच्छा किसका लग रहा है? फिलहाल तो जैस्मिन। तो रूबीना और अभिनव का गेम आपको कैसा लगता है? मतलब अभी बोल नहीं सकते, लेकिन जैस्मिन का हम उसको आउटसाइड भी देखे हैं, तो वैसे ही वो बिग बॉस में भी है। बायस रहेंगे फिर क्या मतलब रहेगा, लेकिन नहीं मेरे को तो जैस्मिन ही पसंद है, दैट्स व्हाई सपोर्ट जैस्मिन। कैसा लगा आपको? और एंटरटेन नहीं कर रहे, वो जो रिलेशनशिप दिखा रहे हैं वो थोड़ा सा फेक लग रहा है, वो बहुत इरिटेटिंग हो गई है। अभी जो टास्क हुआ था रूबीना और राहुल वैद्य के बारे में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कि रूबीना सही थी, राहुल वैद्य बहुत अभी ओवर करने लगा। तो अभी इस हफ्ते ट्रेंड में चल रहे थे एजाज और पवित्रा कपल्स। कौन है इस सीजन में? तो ये अली गोनी। अली गोनी। और सीजन 13 से हम कंपेयर करते हैं, तो इस सीजन में उस सीजन में डिफरेंट क्या दिख रहा है आपको? उसमें तो आती थी शहनाज थी, फिर आसिम था, सिद्धार्थ था। तो इस सीजन में आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन? रूबीना, वो बहुत क्यूट दिखती है और उसका मुझे अच्छा लगता है गेम। उनका गेम कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, थोड़ा सा स्लो है लेकिन अच्छा लगता है। उनके सपोर्टिव टीम के बारे में क्या आपको कहना चाहोगे? अभिनव कपल गोल्स जो बोलते हैं ना, ऐसा आदर्श कपल, वो एकदम परफेक्ट है। सीजन मुझे लगता है कि जैस्मिन तो रहेगी। अभी अली गोनी का सपोर्ट मिल चुका है जैस्मिन को, तो अभी और पहले में जैस्मिन का क्या आपको चेंजेस नजर आया? अभी जैसे वो स्ट्रांग हो गई है बहुत, जैसे पहले वो बहुत रोती थी और हर किसी से लफड़े करती थी, अभी जैसे वो अली गोनी का उसको सपोर्ट मिल रहा है, वो हर चीज में उसको ऐसे सपोर्ट कर रहा है, उसको जैसे बढ़ावा दे रहा है कि तुम स्ट्रांग हो, ये हो। तो अभी वो तो अली गोनी एक वाइल्ड कार्ड एंट्री से आए हैं, तो आपको लगता है कि वो लास्ट तक चलेंगे? बट आई थिंक अली गोनी इज सिद्धार्थ ऑफ सीजन 14। और आसिम? आसिम तो क्या लगता है बिग बॉस में किसका ज्यादा अच्छा बेहतर गेम चल रहा है? रूबीना और अभिनव। रूबीना और आपको क्या लगता है कि इस हफ्ते नॉमिनेट होने के बाद भी किसका ये बंदा खेलने लायक नहीं है फिर भी बिग बॉस में आ चुका है? मुझे तो ये जान लग रहा है जैन कुमार सानू। अली गोनी, बिकॉज वो जिधर जा रहे हैं वो कंटेस्टेंट अच्छा है। एक वो हो गया है कि वो वाइल्ड कार्ड है, तो शायद वो नहीं जीतेगा ऐसा कुछ। एंड ऑफ द विन है, तो आप बोलना क्या चाहोगे कि सपोर्ट किसका रहेगा आपको? मेरा सपोर्ट जैस्मिन। और आपका? जैस्मिन। और आपका? जैस्मिन या अली गोनी, बट वो तो जीतेगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि वो टॉप का कहना है, कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि रूबीना दिलायक का ज्यादातर चांस है, तो आपको कैसा लगता है? थिंक सो जैस्मिन जीतना चाहिए और मैं उसको सपोर्ट करूंगा और वो इंशाल्लाह जीतेगी। रूबीना आ सकती है टॉप 5 तक, तो आएगी ही मुझे लगता है। कितना ज्यादा तो और कैसा था? सिद्धार्थ शुक्ला था, गौहर हीना थी, सब अच्छा था, ज्यादा एंटरटेनमेंट हो रहा था। ऐसा एक दिल में था ना कि लोग जाने वाले, तो कुछ ऐसा लग रहा नहीं था इतना। सिद्धार्थ बहुत परेशान कर रहा था सबको। तो सीजन 13 से लेके सीजन 13 में सिद्धार्थ थे, आसिम थे, तो उससे हम अगर सीजन 14 को कंपेयर करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें एंटरटेनमेंट है? नहीं, बिग बॉस 13 वाज डैम गुड। सीजन 13 आपने देखा है? ऑफ कोर्स। वो ऐसा लग रहा है टॉवर से फिर नीचे आ गए। एंटरटेनमेंट कौन कर रहा है इस सीजन में?
जैस्मिन और रूबीना। जैस्मिन और रूबीना एंटरटेन कर रहे हैं। रूबीना का गेम आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत दिमाग से खेलते हैं। और उनके हस्बैंड का उनको सपोर्ट है? रूबीना और अभिनव। रूबीना और अभिनव, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे इजाज़ के बारे में? इजाज़ का वो तो पहले अच्छा लगता था मेरे को, उसके बाद अभी तो पलट गया वो तो। पवित्र के साथ जब से आए, क्योंकि पवित्र और वो दिखता है मतलब फेक गेम खेल रहे हैं। अभी हाल ही में कविता और अली गोनिया और एजाज का कुछ लफड़ा हो गया था किचन की वजह से। अली और कविता, क्या कहना है आपका? कविता कौशिक का गेम आपको कैसा लगा? पहले तो कविता का मेरे को भी लगता था ओवर कर रही है, लेकिन अभी वो जस्टिफाइड लग रहे हैं क्योंकि अभी एजाज नेगेटिव हो गया, तो कविता के चांसेस फिर भी मेरे को कम लगते है। अभी अभी आई है और निकी के ज्यादा लगते है क्योंकि अभी नहीं, जान कुमार भी है ना, जान कुमार सानू, तो जान और निकी में कोई तो एक जाएगा। और कविता के ऊपर आपको थोड़ा लगता है कि वो बच सकते हैं इस हफ्ते? हाँ, कविता बचेगी। लास्ट हफ्ते सलमान सर ने भी उनको कुछ बताया था। हाँ, कविता 100% बचेगी, रूबीना बचेगी, और कौन है, जान और निकी में से पक्का कोई। आपको ऐसा, आपको बिग बॉस में ऐसा कौन लगता है जो एंटरटेन नहीं करता है, जस्ट जान और निकी? वो एंटरटेनिंग नहीं, वो इरिटेटिंग है। तो इनका गेम आपको अच्छा नहीं लगता? बेकार लगता है। बिल्कुल सही नहीं, बेबेला। तो पहले ठीक था। बिग बॉस 13 से और बिग बॉस 14 को हम कंपेयर करते हैं तो जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे और वो पिछला सीजन 10वें फ्लोर पे टावर। बिग बॉस 13 में एंटरटेनमेंट था, बिल्कुल था। और 14 में? 14 में ठीक ठाक है, मतलब जैसे कि बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ और असीम का बहुत ताकत अभी होता था, इस टाइम को आप किसका कहना चाहोगे? ये टाइम कोई मुझे सिद्धार्थ शुक्ला के कंपैरिजन में तो राहुल लगा था, वो नेपोटिज्म पे उसने कमेंट किया था, बट अब वो फिर भी अब थोड़ा नीचे हो गया।